प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और अब तक हमने 12वें अध्याय की दूसरी एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चनों को कर लिया है। चौथा क्वेश्चन आज हम देखते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की सभी एनसीईआरटी की पुस्तक के मैथमेटिक्स का प्रत्येक क्वेश्चन का या प्रत्येक अध्याय के सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर संकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं। हमारा डायग्राम है ये वृत्त है और इस पर ये केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई दो त्रिज्या है जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ओ ए बी, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, संगत लघु वृत्तखंड अर्थात हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारा संगत लघु वृत्तखंड और इसका ये क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, चौथे क्वेश्चन का। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अर्थात इस सारे में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आधार गुणा में शीर्ष लंब होता है तो आधार ये हो गया और ये 90 डिग्री का है तो 10 गुणा में 10। अब इसको आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में 3.14 गुणा में 10 गुणा में 10 और गुणा में थीटा हमारा यहाँ पर 90 क्वेश्चन में दे रखा है। समकोण बनाता है, समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया 90/360 माइनस 1/2 10 गुणा में 10। तो यहाँ पर देखो 10 गुणा में 10 हमारे पास कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 314/100 और इससे ये काट दिया हमने 9 × 36 गुणा में 4 माइनस 1/2। इसको हल करते हैं 100, इसका एलसीएम जो है वो 400 आ जाएगा, ये 400 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 314 माइनस ये इससे 200 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 200। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 314 में से 200 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 114/4। इसको सॉल्व करेंगे 100, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 × 8 और बच जाते हैं 3 तो ये 34, 4×8=32 2 बच गए तो वो 4×5=20 हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें प्राप्त हो गया है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर भी थीटा है, कंप्लीट एंगल है 360 का और ये हमने 90 का निकाल दिया तो 360 माइनस 90 बराबर आ जाएगा 270। तो यहाँ पर जो थीटा लेना है वो 270 लेना है और पाई का मान वही है 3.14 गुणा में आर का मान 10 गुणा में 10 और थीटा का मान 270/360। इसको हम ये 9 से कट जाएगा, 9 × 36 और 9 × 27 यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसको 314/100 गुणा में ये भी 100 हो गया गुणा में 3/4 तो 100 से 100 कट गया। यहाँ पर बच गया हमारा 3 × 4=12 3 × 1=3 और 1 = 4 और 3 × 3=9/4। इसको सॉल्व करेंगे तो